नया बजट लाते हैं, पुरानी बजट पर कभी चर्चा नहीं करते हैं कि उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान दी गई कि नहीं, या जब आप कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए 400 घराना 400 बड़े कॉरपोरेट को मैंने कहा है कि मैडम बार बार रोजगार की बात होती है, बार बार आप अल्पसंख्यक जैसे मौलाना आजाद जो फेलोशिप था उसको आपने बंद कर दिया। माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय जी, मैं शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री जी का 2 महीना मात्र बचा है जन्मदिन को, और उन्होंने सबसे पहले विश्वकर्मा योजना, एक उनकी जो बहुत बड़ी आम आदमी मोची निषाद मला ऐसे वर्गों के लिए यह योजना लाई गई। हम शुरू करेंगे माननीय वित्त मंत्री से कि पुराने में जो आप स्किल स्टार्टअप मेक इन इंडिया या आपने जिन जिन योजनाओं को लाया उस पर अभी तक कोई श्वेत पत्र नहीं लाई कि उस योजना का क्या हुआ। आपको रघुराजन जी के ऑडिट रिपोर्ट को भी देखना चाहिए, उसके बाद भी जो रिपोर्ट आई उस पर भी आप कभी इस सदन में आप नई योजना लाते हैं, नया बजट लाते हैं, पुरानी बजट पर कभी चर्चा नहीं करते हैं कि उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान दी गई कि नहीं, जिसमें श्रम संगठन 2000 में जहां देश बेरोजगारों के पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वहीं 22 में 65.7% हो गई। मेरा सीधा इस पे है कि जब आपने 13,000 करोड़ रुपया एक विश्वकर्मा योजना पर लाया, या जब आप कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए 400 घराना 400 बड़े कॉरपोरेट को मैंने कहा है कि आप बेरोजगार लड़कों को 5,000 अनुकंपा पर आप इसको इंटेंसिव दीजिए, मैं पूछना चाहूँगा ये इंटेंसिव कब मिलेगा जब 40,000 लगभग कॉरपोरेट के पहले से उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तो 2 करोड़ की योजना में, 2 करोड़ की नौकरी में 25,000 एक कॉरपोरेट पर कहाँ से वो आएगा, ये जरा सा हमें बताएं, ये कौन सा झूठ वाली बात है बेरोजगारों के लिए। दूसरी चीज, रोजगार पर जब आप बात करते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किस पर है, वो है फूड प्रोसेसिंग पर, वो है पर्यटन पर, वो है टेक्सटाइल पर, बुनकर पर, वो है कालीन पे। टेक्सटाइल योजना पर इनका टैक्स कितना बड़ा आप उसको देख लीजिए कि टेक्सटाइल पर इन्होंने कोई छूट नहीं दी, कोई टैक्सेस नहीं दिया और टैक्स को बढ़ा दिया। जब हम टेक्सटाइल को बढ़ावा नहीं देंगे तो रोजगार कहां से डेवलप होगा। तो जब हम फूड प्रोसेसिंग, जो सबसे ज्यादा यूपी बिहार या जहां पर भी दलहन तेलहन जब हम बात करते हैं मक्का की, मखान की, दूध प्रोडक्टिविटी की, उसके चीजों की, उस पर टैक्सेस को आप बढ़ाए हुए हैं। आप जो सबसे ज्यादा काम करने वाली 70-80% महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उस पर आपके लिए कोई नई योजना नहीं है। आपने क्या किया, आप हमको, आपने जितनी बजट लाई है आप सीधा का सीधा कॉरपोरेट कॉरपोरेट कॉरपोरेट, लेकिन जब हम बात करते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसको सब लोग कह रहे हैं, इवन ए मंत्री जी हमारे गडकरी साहब ने भी जो हेल्थ से जुड़े 18% GST की बात की, हम अस्पताल को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की दवाई है उसका जो इक्विपमेंट है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, MRI है या जांच का विषय है, उस पर हम बोझ डाल रहे हैं, तो आम आदमी को कहां से बेनिफिट मिलेगा। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, बैंक की जब बात आती है अध्यक्ष सभापति महोदया, तो बैंक क्या करती है, हमारे यहाँ बिहार में 100-200 रुपया वाला गरीब लोग बाहर में काम करते हैं, वो बैंक को 100-200 रुपया 1,000 रुपया भेजता है, बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए 1,000, 5,000, 7,000 रुपया काट लेता है। अब आप बताइए, क्या आपने इसको रोकने का कोई प्रयास किया कि बैंक उस पैसे के, जो मिडिल क्लास और गरीब का पैसा है जो बाहर से अपने माँ बाप को भेजता है, वो पैसा ना काटे, ये इस पर आपने कभी चर्चा की कि बैंक जिस तरीके से
आज बैंक आपका बैंक आपको कितना पर लोन देता है, आपने बैंक को क्या बेनिफिट दी या बैंक को आपने क्या कहा? जो बांग्लादेश में आज जो मोहम्मद यूनुस को वहां बनाने की मांग उठी, क्यों उठा, उसका कारण क्या था? उसके सबसे बड़े कारण थे उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को आम लोगों के लिए उसके लिविलाइज उसको लोन का उसके ब्याज और उसकी सूद को कम किया। लेकिन क्या मिडिल क्लास कोई गरीब आदमी कर सकता है? हम आते हैं किसान पर, आपने किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया, 50 किलो खाद को आपने 45 किलो कर दिया, आपने 40 किलो कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि 45 किलो को 50 किलो को क्यों कम कर दिया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है उसको मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैडम बार बार रोजगार की बात होती है, बार बार यूथ की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। हमें आप मैडम बताइए, दलितों को स्कॉलरशिप मिलता था, स्कॉलरशिप में अब क्या किया गया, उस दलित के स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, कहा गया पहले तुम एडमिशन लो, 60% जब तुम्हारा, मैडम मैं वही आ रहा हूं, 60% जब तुम्हारा होगा अटेंडेंट तब हम तुमको स्कॉलर देंगे। इस तरह मिनिमम मदरसे की आप चीजों को 2 करोड़ कर दिए। आप अल्पसंख्यक जैसे मौलाना आजाद जो फेलोशिप था उसको आपने बंद कर दिया, आपने बजट को आपने सीधा 117 करोड़ पर ले आया अल्पसंख्यक के लिए। तो जो आप सबका विकास सबकी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मेरा मैडम लास्ट है बिहार से, बिहार सरकार ने लगातार बिजली को लेकर के वन नेशन, जैसे वन नेशन वन एजुकेशन की बात उठती रही, वन नेशन वन हेल्थ जो हमारे राजस्थान की सरकार ने किया, बिहार सरकार ने 4 चीज आपको भेजा है। एक भेजा है वन नेशन वन टेरिटरी बिजली पर जो सबसे ज्यादा मांगा, 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर अपव्यय ज्यादा बोझ पड़ता है। धन्यवाद। मैं कम कर रहा हूँ, 70 पैसा मैडम 70 पैसा एक आदमी पर पड़ता है। दूसरा, लगातार बिहार सरकार की ये योजना है हाई डैम से 40,000 करोड़ विद्युत परियोजना को बढ़ावा देना, हाई डैम जिससे पूरा का पूरा कोसी सीमांचल मिथिलांचल को बढ़ावा मिलेगी। मैडम क्या हुआ इस बजट में, क्या आपने नेपाल सरकार से बात करके आपने हाई डैम बनाने की परियोजना की? एक तीसरा चीज बिहार सरकार ने कहा है कि हमको 15 लाख, एक मिनट, बिहार सरकार ने कहा है कि हमको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमको 15 साल आप GST माफ कर दीजिए ताकि हम अपने डेवलप करें। आपका हमको नहीं चाहिए, चाहे डालमिया नगर, हमको IIM की बात हमने किया पूर्णिया में, हमने IIT की बात किया पूर्णिया में, हमने बात की मक्का और मखान पर फैक्ट्री की, आपने वो नहीं किया। तो आप उल्टे ही सारे के सारे मिडिल क्लास के पर GST का बोझ डाल दिया, आपने युवाओं पर गरीबों पर बोझ डाल दी, आपने किसानों पर बोझ डाल दिया, लेकिन आप कॉर्पोरेट को सपोर्ट करते रहे। अब हम लोग को बोलने के लिए पहले आप खड़ा कर देंगे? लास्ट कर रहा हूँ, हमको 30 सेकंड, हम 30 सेकंड के लिए कंप्लीट। मेरा आग्रह ये है कि कम से कम बिहार के लिए मेरा आग्रह आपसे है कि विशेष पैकेज, विशेष राज की बात हमारे मुख्यमंत्री करते रहे हैं, हम लोग मिलकर विशेष पैकेज वाटर पर्यावरण और जलवायु और पर्यटन सबसे विशेष पैकेज, हम कोशिश सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं ताकि मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री को डेवलप करें, हम अधिक से अधिक बिहार में हम एयरपोर्ट को डेवलप करें। इसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बार बार